सिगरेट जला। दबा उसको, आवाज आनी चाहिए, जोर से दबा। आ गई सर। माचिस जला। दूसरा चश्मा ले गया काला वाला, इसको निकाल के उसको लगा, इसको निकाल के उसको लगा। तू अगर यहां से गया, इतना पीटेगा तू, पार्टी चलेगी। तू सुबह कितने बजे उठता है? 7 बजे। 6 बजे तक पार्टी चलेगी, 1 घंटा नींद मिलेगी तेरे को। पार्टी चलेगी कितने बजे तक? 6 बजे तक। तू कितना घंटा सोएगा? 1 घंटा। दारू चलेगी इधर पूरा दिन, पूरी रात। पार्टी चलेगी पूरी रात, और अगर ये हिला यहां से तो ये पीटेगा, पूरी तरह से पीटेगा ये। बोल अभी कितने बजे सोएगा? 6 बजे सोएगा तो क्या होगा? मारे बच्चे के पीटेगा तू। क्वीन लाइफ है, क्वीन लाइफ है।
बड़ा भाई बाथरूम में मुट्ठी मार रहा है, जो मेरा कुकिंग का काम करता है उसको मैं मुट्ठी लगवा रहा हूँ। ये अपने इंस्टाग्राम की रंडियों से मुट्ठी लगा रहा हूँ उसको मैं, बाथरूम में मुट्ठी मार रहा है, चूट चाट चाट कर मुट्ठी मारेगा तू? क्यों ऐसे लड़खड़ा नहीं होता है तेरा, नहीं होते इतना बड़ा है खड़ा नहीं होता है? नहीं सर, नहीं लंड खड़ा नहीं होता है तेरा? ऑपरेशन हुआ मेरा। किसका? लंड का हाँ तो खड़ा नहीं होता है। सच्ची तो सच्चे गान मरवाली, फिर गान मरवाएगा नहीं सर क्यों? तेरा ऐसे। लंड खड़ा नहीं होता है, गान मरवा ले, मेरे पास प्लास्टिक का लंड है तेरे गान में डाल दे फिर। ऐसे क्यों खड़ा हो? उधर मुंह कर, खड़ा हो, खड़ा हो, उधर मुंह कर। ये देखिए बॉटल तेरे कान में डालूंगा, ये बॉटल तेरे कान में, बैठ जा। रोम रोम भाई कैसे हो? हाय ये तो बिनचोद काला कौवा निकला, बिनचोद बदसूरत। सुगर की पैदाइश और वो दूसरा बिनचोद मुट्ठी मार रहा है सोनिया की चूत देखकर। बताओ भाई ये अपना जो कुकिंग का काम करता है, जो मेरा कुक है, वो मुट्ठी मार रहा है। मेरा कुक बाथरूम में मुट्ठी मार रहा है, अपनी इंस्टाग्राम की जितनी भी रंडिया है सबकी चूत देकर मुट्ठी मार रहा है अपना भाई। क्या हुआ? मुट्ठी मार ली? कितना बड़ा लंडे तेरा बता, उसने देखा सोनिया ने लंडे का? अरे चुप यार, बैठ, चुपचाप बैठ। हाँ अब बोल। हाय दीपक, हेलो सोनिया। हाउ आर यू? अरे कुछ नहीं, अपना भाई बहुत शर्मीला है, उसने कहा कि मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है, मैं अपना अपना जॉब में ठीक हूँ, समझ ले तू। ओह वाओ, उसने मना कर दिया, उसने कहा कि मैं कुछ भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ। हाँ वो बहुत अच्छा लड़का है दीपक। अरे वो तो अच्छा लड़का है हाँ भाई, तू चुद्दो है ना, वो तो अच्छा लड़का है भाई, हाँ तो लड़ मैं कौन से चाहिए जने खाने पड़ेगा। से चोदू फिरू, मैं कौन सा गने छने से चोदी फिरती हूँ। मैं एक अच्छे पैसे वाली घराने की चुदक्कड़ हूँ। मेरी माँ चुदक्कड़, मैं चुदक्कड़, मेरा पूरा खानदान चुदक्कड़, तो इसमें बुरा क्या है? तेरा बाप भेंकिरौड़ी बड़वा, मेरा और तेरी माँ बाप थारा भाई जोगिंदर का बाप है, जिसको थारा भाई जोगिंदर ने चोदा था वो मेरा बाप है। मेरे बाप ने थारा भाई जोगिंदर को खूब चोदा, इतना चोदा, इतना चोदा, थारा भाई जोगिंदर का लंड कभी खड़ा ही नहीं होता है, ऐसा है थारा भाई जोगिंदर का लंड। हाय बनौनी, और दीदी कैसी
हो? मेरी को अच्छी मोबाइल हूँ। दीपक ने मुझे कहा तू चुदक्कड़ है। तो मेरा मुझे मेरा मेरा बाप एक भड़वा था, वो थारा भाई जोगिंदर है ना, वो मेरा बाप है। थारा भाई चु, 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 थारा भाई जोगिंदर ने जिसकी अम्मा को छोड़ा, उसने मेरी अम्मा को भी छोड़ा। सोचो। थारा भाई जोगिंदर जो जोगिंदर है, वो मेरा बाप है, वो मेरा भाई है। उसने लुगाइयां नहीं चोदी, उसके बाप ने मेरी अम्मा को छोड़ा और मुझे इसी रंडी को पैदा किया। सोचो तो दीदी, मतलब क्या कॉम्बिनेशन है? तुम एक रंडी और हम दो बड़वे। और थारा भाई जोगिंदर मेरा दलाल। दलाल भयंकरौली दीपक कलाल है, तेरा दलाल। मैं उसकी बात कर रही हूँ दीपक। मैं एक लंड से छुट गई मेरी माँ और थारा भाई जोगिंदर की अम्मा। बताओ क्या बुरा दोनों एक ही इसमें। लंड से चूदे थे। हम लोग एक ही लंड से चुदे थे। वाह, वो लंड बड़ा मत था, वो लंड छोटा था जिसे हम चुदे थे दोनों। दीदी। अनौरी हाँ बोलो बोलो, मैं मैं सुन रहा चाहती हूँ। हूँ थारा भाई जोगिंदर को जब उसका अब्बा चोद रहा था, उसका लंड की पिचकारी जल्दी निकल गई, और जब उसका अब्बा मुझे चोद रहा था तो मेरी उसकी पिचकारी लेट निकली। ओ नो, तभी तभी मुझे ऐसी रंडी भड़वी पैदा हो गई फिर इस मार्केट में। फिर मैंने इतने लंड लिए, इतने लंड लिए, इतने लंड लिए, मुझे खुद को भी नहीं पता मैंने कितने लंड लिए। मुझे इस लंड से नफरत हो गई है पनौड़ी, क्योंकि मेरे बाप जब मेरी अम्मा को चोद रहा था, उसकी पिचकारी जल्दी निकली, उसका लंड बहुत छोटा था। पार्टी पूरी रात चलेगी और बियर खुलेगी, जाना नहीं हम मुझे बहुत लोगों। दुख है इस बात का। क्या हुआ तुम्हारी ये कहानी सुनकर बहुत गया, रोना आ रहा है मुझे। वीडियो पनौड़ी? मैं चाहती थी मेरा बाप मेरी माँ को पूरी रात चोदता कॉल नहीं, तो मुझे मजा आता। आधे लंड से थारा भाई जोगिंदर निकल गया, पूरे लंड से मैं निकल गई। मुझे बहुत दुख है, मेरी माँ भी खुश नहीं हो पाई। मेरी माँ ने कहा तू बड़ी होकर रंडी बनेगी और थारा भाई जोगिंदर भड़वा बनेगा। मैं बहुत दुखी हूं, मुझे बड़ा लंड नहीं मिला आज तक। मैं रंडी बनी किसके लिए? सबके लिए। मुझे था दीपक से मुझे बड़ा लंड मिलेगा, बट दीपक से मुझे उम्मीद मत निकली। दीपक का चूहे जैसा लंड है, अच्छा घुसता है और भाकर भाकर भाग भाग करके बाहर आ जाता है। सोनिया, एक बात पूछू? तू मेरी दीदी है, मैंने हमेशा तुझे रिस्पेक्ट दी। सच बता, इसका खड़ा हुआ था जब तुम दोनों बेड में थे? सच देखो बता। दीपक का लंड खड़ा था, दीपक के पास लंड है, बट ये चोदम पट्टी नहीं कर सकता। इसको जब पता लगा मेरी जैसी चूत इसके लंड के ऊपर बैठेगी, इसका लंड तो गुफा की तरह घुस जाएगा और इसका लंड कहीं हवा भी नहीं ले पाएगा। तो इसके लंड ने सांस लेना बंद की और इसका लंड वहीं मुरझा गया। दीपक का लंड वहीं बैठ गया, बट दीपक के पास लंड है, नो डाउट। अच्छा, खड़ा कैसे होता है ये बताओ। नहीं, दीपक का लंड खड़खड़ खड़खड़ करके खड़ा हो जाता है, जैसे वो छूत का छेक देखता है और बॉडी बिल्डरों की गांड देखता है, इसकी चूचियां देखता है, तो इसका लंड फटफट खड़ा हो जाता है। मैंने तो सुना था बॉडी बिल्डर्स को देख के इसकी गांड खुलने लगती है। हाँ, ये इसको चूचियां बड़ी पसंद है बॉडी बिल्डरों की। ही इज लाइक चूची टाइप ऑफ पर्सन, नॉट चू टाइप ऑफ पर्सन। अरे हाँ दीपक, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो दूसरी रंडी को भी ऐड कर लेना, क्या नाम है उसका? वो कौन क्या नाम है रंडी? उसका? अरे एक दूसरी एक लड़की है जो तुम्हारी तरह बनना चाहती है, मीम के क्या नाम है उसका? उसकी मिंक माँ की चूत। मिंक मिंक मिंक, वो मतलब दीदी तुम्हारी तरह मतलब फेमस होना चाहती है, तुम्हारी मेरे जैसी तरह वो एक ही रंडी है जो ठोक के पैसा पंजूर। लेती है, देखो जिनकी औकात वाह, कुछ नहीं है, सिर्फ वो दो कौड़ी की रंडी है।
सिर्फ आती है चुद के फ्री फंड में चली जाती है। अरे क्या यार, उसके तो मम्मे भी इतने 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 ही है दीदी, थोड़े तुम्हारे मम्मे मतलब पूरे मत दिखाना। ओ माय गॉड, देखो मेरी दीदी के मम्मे, भाई जिसको भी मेरी दीदी को चोदना है, मेरी दीदी एक नाइट के 50,000 लेती है, जिसको भी चोदना है मतलब एडवांस में 25,000 पेटीएम करो और मिलने के बाद 25,000 देना, और होटल बुकिंग वो सब होटल बुकिंग वो सब तुम्हारा रहेगा, पूरी रात मेरी दीदी तुमसे चुदेगी, पूरी रात, एक मिनट सांस भी नहीं लूंगी मैं, मुंह में देना जहाँ मुंह में देना, चूत में देना, गांड में देना, जहाँ मर्जी देना, मैं सांस भी नहीं लूंगी पनौड़ी। हाँ तो अगर देखो आज मैं कितने लोगों से चूदी होंगी, तो इस कमरे का अंदाजा लगा लो। वाओ, वो भरे हुए कंडम्स दिखाओ दीदी, मतलब वो जो भरे हुए गार्बेज में कंडम्स कर देते हैं ना, वो तो दिखा दो। इतनी अच्छी है मेरी दीदी, बहुत चुती है ये। आज चुदाई चुदाई की मैंने, चुदाई के साथ खेल खेला, मैं चुदाई के साथ इतना खेलना चाहती हूँ कि चुदाई मेरे लेने से पहले भूल जाए मैं कितना चुती हूँ। अरे मेरी कोंडोम, मुझे लगता है मैंने मेरे को तो ध्यान ही नहीं, मैंने कहाँ रख दी पनौड़ी, सॉरी फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अभी लाइट बंद हो जाएगी दीपक, इसने चूत, अरे रहने दे दीदी, कहाँ चूत दी, पागल है क्या, अभी इसकी लाइट बंद हो जाएगी। ये दीदी कंट्रोल में, कंट्रोल में दीदी, कंट्रोल में, मैं एक रंडी हूँ। अरे लेकिन दीदी था उसे मेरी अम्मा को 14 थारा भाई जोगिंदर निकला और मैं निकली, तो इसमें बुरा क्या है। अरे बुरा कुछ नहीं है दीदी, लेकिन अभी मतलब थोड़ा कंट्रोल में रहो, चूत बूत मत दिखाओ, वरना इसकी लाइव का भोसड़ा हो जाएगा। अभी ये बहन का लंड ये है ना, ये भोसड़ी का अभी ड्रंक हो गया है ये बड़वा, ये देखो। ओ आई सी, दीपक तुमने काले घसुट्टे कैसे हो गए। दीपक पहले बहुत गोरा था पनौर, ये काला घसुट्टा हो गया, मुझे मजा मत आता है दीपक को देख के, दीपक का लंड बहुत काला घसुट्टा है, ऐसे क्यों भाई। सोनिया भाई देखो, ये सोनिया जो है, मैं सच बता रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सोनिया सच बता करते हो, ये बताओ तुमको नाज नहीं तो, है कि तुम्हारी दीदी नहीं, 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 टॉप की रणनीति बन चुकी है दोस्त में। मैं तो भाई हमेशा तुझे दीदी ही बोलता हूँ, एना तू जो भी करती है अपने फैमिली के लिए करती है, और मैं खुल अपनी इन गस्तियों की औकात दिखाती हूँ यहाँ पे, जो रंडियाँ आती हैं, जो काली ग्लोज 14 पट्टी करती है, वो डीएम में जाके सबको नंगी होके दिखा रही होती, तो इसमें बुरा क्या है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और तुम जो भी करती हो तुम अपनी डॉटर के लिए करती हो कि उसको एक अच्छा फ्यूचर मिले। मैं चाहती हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है पनौड़ी मेरे पास, मैं अपनी बेटी को क्या, मैं दीपक को भी एक लग्जरी लाइफ जिला सकती हूँ, पर ये एक भड़वा है, तो मैं इसको लग्जरी लाइफ कैसे दिलवा सकती हूँ, तुम मुझे ये बताओ। ये भड़वा के साथ गंडी भी है ना। हाँ, ये सोनी का रंडा रंडा को लेके आया, जिसकी ना चूत ना चूची, और वो रंडी का कहती मेरे लिए मेरी औकात ले रही थी, उसको लगा कि मुझे भी वो रंडी अच्छी नहीं लगती, वो सोनी का रंडी मुझे भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे पता मत है ये दीपक बड़वा, उसकी ए दीपक बड़वे पनौड़ी, उसको उसको सड़क पे तू सोनी का रंडी को क्यों लेता है लाइफ पे बहन के लंड। अरे उसे मेरे को 20,000 रुपए दे, 20,000 तो 20,000 की उसकी माँ की चूत भी नहीं होगी 20,000 में, वो 500 रुपए वाली चूत वाली है, 20 रुपए की चूत। पनौड़ी हमारे यहाँ पे चूत इतनी सस्ती हो गई, लड़कियां हाथ में लेके घूमती और कहती है हमारी ले लो। सही बात है, और दूसरी चीज ये है कि वो रंडी कौन सा बेंचो गोवा में तेरे पास आई थी, गोवा में तो ये मेरी दीदी तेरे साथ थी रनवे। हाँ। ए रनवे, और मैं पैसा खर्च करके इसके पास गई थी, इसने 25,000 लोगों को तो दिखा दी, लेकिन जो मैं 30,000 की फ्लाइट करके गई वहां पे रहना खाना किया, वो तो भड़वे ने नहीं दिखाया मेरे को दुनियादारी को। क्यों रील्स तो तूने बहुत बना ली मेरी दीदी के साथ, होका पीते हुए, मम्मी पे हाथ मारते हुए, बहन के लंड, इसने मेरी चूची भी पी लाइव पर। 2.5 करोड़ भोसड़ी के, जब वो रंडी आई थी सोनी का मादर चोद, वो तो बहन चोद तुझे तेरे साथ एक कौड़ी की रील बना के चली गई, जब तूने उसको इनवाइट किया वो रंडी तेरे साथ रुकी भी नहीं, तो उसको तू मेरी दीदी के साथ कंपेयर करेगा यार। सोनिया मेरी जॉन है, मेरी पर्सनल रॉन्ड है, उसको
सोनिया मैं तेरे को हर महीने पैसे नहीं भेजता हूँ, थोड़े थोड़े बता। तुम एक ढेला भी नहीं भेजते हो मेरे को, बता। आ मैं सच बोलूंगी, दारू पीकर माँ की छूत, बहन का लौट जो मुझे दीपक पैसे भेजे तो उसकी माँ की छूत, अगर जिसने विश्वास किए दीपक मुझे पैसे भेजे तो। दीदी तुमने कितना ठर्रा लगा, दीदी तुमने ठर्रा कितना लगाया आज? मैंने, मैं ठर्रा दिखाती हूँ, दिखाओ। औकात में रही हो बहन के लड़, हो बड़वे औकात में रही हो, दीदी ड्रंक है। देखो पनौड़ी एक ये खत्म किया मैंने, ओ बहन चोद। ओ माय गॉड, ये भी ऑलमोस्ट खत्म होने को ही आ। और पनौड़ी देखो, तुम्हारी दीदी झूठ कभी नहीं बोलती है, देखो कितना हुआ, वन देखो, हाँ टू, हाँ और ये क्या बोलते हो, ओ बहन चोद। भाई तीन बोतल डाउन है दीदी, मानी चौथी घसी रंडियों की, इनकी माँ की छूत। ये बहन कालन दो कौड़ी की टर्बो बियर पी रहा है, बहन चो 20-20 रुपए की टर्बो बियर कब से पी रहा है ये गंडवा। दीदी एक तुम बनाओ, मैं हम दोनों साथ में शेयर्स करते, एक बनाओ। अच्छा एक मिनट, मैं ड्रेस पहन रही हूँ, एक सेकंड बनो। हाँ 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 अब ठीक है। दीदी तुम भी एक बनाओ, हम साथ में पीते हैं आज। बनौरी मैं आज दुनिया की टॉप रंडी में से आती हूँ, तुमको पता है टॉप रंडी, वो पूरी का गंडी नहीं बोल सकते, टॉप रंडियों में से मेरा नाम आता है। मियां खलीफा सनी लियोन के बाद तीसरा नंबर मेरा आता है, यू नो। नहीं नहीं मैं ये बात तो भाई मैं नहीं, सब मानते हैं कि जब भी तुमने लोगों ने तुम्हें जब भी देखा फाइव स्टार होटल में ही देखा। और मैं अभी भी फाइव स्टार प्रॉपर्टी में, तुम सोचो जिसकी वैल्यू, अब तुम देखो ये मेरा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट होते है फाइव स्टार प्रॉपर्टी की वैल्यू। अभी तुम कौन सी सिटी में हो दीदी? मैं इतने आई हुई हूँ लुधियाना में, पनौड़ी। वाओ और मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मैं एक मियां खलीफा के बाद में एक ऐसी थर्ड क्लास रंडी हूँ जो थर्ड लेवल पे हूँ, सर्च ऑन गूगल पनौड़ी। सही बात है, और लोगों को मेरे बारे में बताओ थोड़ा सा। भाई देखो ये मेरी मेरी रंडी दीदी है, वो 4 साल पहले झाड़ियों में टांगे उठाती थी, लेकिन ये मेरे कांटेक्ट में आई, दीपक के कांटेक्ट में आई, इसके बाद इसको झाड़ियों में से निकालकर हम लोगों ने फाइव स्टार का उसको एक सफर दिखाया। आज सबसे पहले मेरी दीदी चूदी थी, जहाँ पे ये भाड़े पे रहती थी ना, वो मकान मालिक के साथ मेरी दीदी चूद गई थी, तो मकान से लेके झाड़िया और झाड़िया से लेके फाइव स्टार का सफर मेरी दीदी ने 4 साल में तय किया है। अभी मेरी दीदी एक नाइट का 50,000 रुपया लेती है, 50,000 में फुल मजे करवाती है। कल मेरी दीदी किसी का लंड भी चूस रही थी, है ना दीदी? कल किसी का मुंह पे भी लगा रही थी मेरी दीदी। देखो मेरी ऐप है पनौड़ी, मैं अपनी ऐप पे खुल के चुदाई करती हूँ, क्योंकि देखो सोशलाइज में चुदाई नहीं कर सकती, क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक है, वो कई बार ये गाइडलाइन से देता है। मेरी खुद की ऐप है सोनिया अरोड़ा ऐप, जितने भी लोग हैं मेरी अगर चुदाई देखना चाहते हैं ना, खुल चूत की लंड की जितनी मर्जी, आप मेरी ऐप पे आ जाओ, वहां पे खुल के चुदाई देखना मेरी, तो डाउनलोड सोनिया अरोड़ा ऐप, तुम्हारी माँ की छूत। वाह, गार्डन में बैठा हुआ, दिखाता हूँ तुमको, बनाना चाहिए, देखो मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ पनौड़ी, मैं यहाँ गार्डन में बैठा हुआ हूँ ये देखो, इसीलिए चलो मैं बना के। पनौड़ी में मेरा ड्रीम है कि मैं अंग्रेजों हफ्सियों के साथ अपनी, मैं अंग्रेजों और हफ्सियों को अपनी चूत दूं, मैं चाहती हूँ मेरी चूत को चित्तौड़गंज बनाए। क्या बात, क्या कभी मुझे मौका मिलेगा? अरे ले, ले,
लेकिन मतलब यार तुम दुबई में क्यों नहीं जाती हो दीदी? दुबई में तो बहुत सारे अंग्रेज आते हैं। पनौड़ी में दुबई नहीं जाना चाहती, दुबई मेरे को अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत सारी रंडी दीदी हैं, वो बहुत सारी रंडी दीदी खूब चौदम्पेली करती हैं। मैं अगर 50,000 लेती हूँ तो वो 10-5 हजार में छूट के आ जाती हैं, मेरे क्या मार्केट बात डाउन हो कर रही गया हो? उससे। हाँ तो पनौड़ी ये मैं बढ़वे को जाती हूँ। रख लो ना अपने साथ, इंग्लिश बोलेगा ये, मतलब ये जो बढ़वा है ये इंग्लिश बोलेगा और तुम्हें कस्टमर दिलाएगा, इसको पनौरी कभी ये भड़वा किसी काम का नहीं है, मेरे को ये भड़वा पसंद नहीं है। ये भड़वा तो मेरी, वाह शिवाय रीगल, मुझे बहुत पसंद है ये दारू। हाँ। अल्लाह पनौरी तुम्हारे वहां पे कैसा वेदर है इस टाइम? अभी यहाँ पे गर्मी हो, मतलब गर्मी अभी स्टार्ट हुई है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अच्छा है। सुनो ये बड़वा सिगरेट पी रहा है ना, मेरा भी दीदी दिल सिगरेट पीने को कर रहा है। 1 मिनट, मेरे पास भी वेप है, मैं अपनी वेप पीऊंगी माँ की चूत। मैंने बोला कि वे ऑटो चले गया तो मैं अलग आपको कॉल कर रहा था उस दिन, आपको कॉल कर रहा था मैं, आप बिजी थे आपने उठाया नहीं, हाय मुझे एवरीवन, लगा था। तुम जितने भी लोग हो मेरी अगर लाइव देखना चाहते हो, सोनिया अरोड़ा फुल लाइव, तो हाँ तुम लोग फुल, मेरी लिंक के बायो में जाओ, फुल उसमें मेरी लाइव देखो, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी खूब पेलम पेली चली है, लिंक पे जाके क्लिक करो। बाकी तो अपनी को राइट। ये भी क्या स्कूल जो ठीक पनौरी ना, तुम्हारी बस जिंदगी कैसी कट रही है? मेरी जिंदगी तो दीदी बहुत ही अच्छी कट रही है। देखो ये मैं मतलब फुल मजे में हूँ। पनौड़ी मैंने सुनने में आया तुम बहुत इंडियनों को चोद रहे हो, ऐसा क्या है इंडियन में जो तुम रशियन को छोड़ के इंडियनों को चोद रहे हो? तुमने ऐसा किसने बताया कि मैं इंडियनों को बहुत चोद रहा हूँ? किसने तुम्हें, मतलब ये गलत तुम्हारे चर्चे मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि मैं मतलब चाहती हूँ तुम इंडियनों की इतनी छूत मारो, इतनी छूत मारो, इतनी छूत मारो। इंडियन आपने छत पे हाथ रख के 10 बार सोचे कि मैं दूंगी तो मैं सड़क छाप को दूंगी, लेकिन पन्नानी को नहीं दूंगी। कुछ सच में मैं भेजेंगे चाहती हूँ, तुम्हारा लंड का जो हथियार है, टोपा है, वो बहुत बड़ा है। मैं चाहती हूँ तुम इंडियनों की इतनी छूत मारो, इतनी छूत मारो कि वो सोचे 10 बार किसी को छूट देने से पहले कि पन्नोनी जैसा लंडा हो उसके पास। दीपक तुम ऐसे क्यों बैठे हो? हम आपको जानते नहीं है, बकचोदी कर रहे थे वो लोग। एक्चुअली दिक्कत पता क्या है, अभी हाँ वो मेरी बता दो, सोनिया पन्नोनी, सुन, हाँ यहाँ पे कुछ गेस्ट आए थे, उन्होंने मेरे साथ गलत बिहेव किया भाई, माँ कसम मालिक ने चेकआउट कर दिया उनको। क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? तुम्हारी गाड़ मार के पैसे नहीं देके गए? देखो ये बड़वे का नेट ही चला गया। अरे सुनो, उन्होंने क्या किया, हम आपको जानते नहीं है, आप कौन हो क्या हो, उसके बाद आए और उसके बाद में मेरे वीडियोस, आपका ये वीडियो वायरल है, मैंने कहा भोसड़ी वालों, जब तुम मुझे जानते नहीं हो क्यों आए यहाँ पे बनाने के लिए, बकचोदी कर रहे थे, बोला आप कौन है हम आपको नहीं जानते, बाद में कह रहे आपके ये वीडियो वायरल है वो वीडियो, मैंने जो की क्लास थी ना, मैंने कहा तो मैंने जो आपके साथ वीडियो बनाए वो, उन्होंने कहा वीडियो डिलीट करेंगे, मैंने भाई को 2,000 का पेटीएम मरवा दिया, मैंने ऊपर से इसको 500। वाह पनौड़ी, तुम अगर जैसे दीपक और मेरी वीडियो वायरल होती है, यू आर हैप्पी ए नॉट, हम दोनों के वीडियो देखो, तुमको पता है इसके पर कितनी रंडियां आई, कितनी रंडियां चली गईं, पर मेरी जैसी रंडी टॉप क्लास की एक ही है इसके पास। मैं ये बात तो मानता हूँ कि मेरी दीदी टॉप की रंडी है। है ना, हाँ क्योंकि मेरे बाप ने एक लंड से थाराबाई जोगिंदर की अम्मा को ठोका और मुझे ठोका। भाई, देखो मेरी दीदी है ना, इतना मतलब खुद के अंदर खुद के अंदर इतना एटीट्यूड रखती है कि अभी मेरी दीदी चाहे ना तो बेंचो लाइव को 3,000 तक ले जा सकती है, इतनी रात को। ये और बेंचो किसी और का, हाँ किसी और के अंदर दम नहीं है ये। उसके माल के लिए 10 10 हाँ भाई, चलो शेयर लाइव, शेयरो लाइव, शेयरो लाइव। आज ठीक मेरी है, दीदी
जितने भी लोग हैं इस लाइव को शेयर कर दो, फिर मैं आपको एक अपना सेक्सी डांस दिखाऊंगी। जल्दी से जाओ शेयर और लाइव। जल्दी हाँ भाई, 3,000 लोग, 3,000 लोग लाइव पे चाहिए तभी मेरी दीदी मतलब फ्री में मतलब कुछ दिखाएगी। बहन के लन वैसे तो मेरी दीदी 50,000 लेती है कुछ दिखाने का, लेकिन हाँ मैं दीपक जी लाइव पे बैठी तो मैं नंगी नाच भी दिखाऊंगी तुमको, कोई प्रॉब्लम मत है, मुझे खुल के दिखा दूंगी। नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम ये बड़वे को होती है हमेशा, मुझे क्या प्रॉब्लम है ना बनाड़ी, कोई देख भी लेगा तो। अच्छा जिन जिन को मेरी नीचे की देखनी है वो जल्दी से इस लाइव को 2,000 तक लेके जाओ, फिर मैं उसको सब कुछ दिखाऊंगी इस भड़वे की लाइव पर। इसकी अम्मा छोड़ती हूँ मैं दीपक की, इसको होश ही नहीं है कुछ, ये मतलब के किसी के साथ अपनी गांड मरवाने के चक्कर में है ये, ए गंडी ए गुज्जर गंडी। सच में इसका नाम गुज्जर गंडी होना चाहिए। हाँ चलो लाइव जल्दी से ये लाइव को शेयर कर दो दोस्तों, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आपको जलवे दिखाती हूँ कि मैं लोगों का पानी कैसे निकालती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है ये मेरी दीदी और मेरी दीदी का भोसड़ा। हाँ बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे भोसड़े को पहनना चाहते हैं, लेकिन मैं फ्री में अपना भोसड़ा नहीं पिलवाती। जल्दी 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 लाइक को शेयर करो शेयर करो शेयर करो जल्दी जल्दी 16 जल्दी। यस देखो पनौड़ी हमारी, हमारे व्यूअर्स इतने प्यारे हैं, वो हमारी लाइव को शेयर कर रहे हैं क्योंकि उनको मेरा भोसड़ा देखना है, उनको सोनिया अरोड़ा का भोसड़ा देखना है। तो जल्दी सबकी अम्मा चोद दो रात को, जल्दी से जल्दी इनकी माँ के चूत में उंगली दो, लाइव शेयर करो। दीदी तुम्हारी मंथली इनकम कितनी है जरा पब्लिक को बताओ, नीचे लोग पूछ रहे हैं। मैं मंथली इनकम कमा लेती हूँ 25-30 लाख इंडिया के। यस मैं नहीं चाहती कि मैं इन गणमरों को दिखाऊं अपनी औकात, और ये मेरी औकात है। अभी मत दिखाओ अपनी औकात, 3,000 तो होने दो उसके बाद दिखाओ। अच्छा शेयर लाइक जल्दी जल्दी इस लाइव को शेयर कर दो, अम्मा की चूत में उंगली मारो उसको शेयर करो। अपनी गर्लफ्रेंड अगर देखो मैं चाहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैठी है साथ में उसकी छूत में उंगली मारो जल्दी जल्दी, अगर तुम्हारी बॉयफ्रेंड बैठे उसकी लेंट पे पपोला मारो जल्दी जल्दी, तुम्हारी अम्मा बैठी तो उसकी फिंगरिंग करो जल्दी जल्दी और लाइव शेयर करो। हाँ भाई जल्दी से लाइव शेयर करो, आज मतलब मेरी दीदी 3 बॉटल डाउन है, मतलब आज पूरे कपड़े खोल लेगी मेरी दीदी, मतलब बहन चोद माँ चुगाने गई इस गंडवे की आईडी, और कुछ भी हो जाए आज। हाँ भाई आज है ना पूरा नंगा डांस होगा, इन कुत्तों के सामने नंगी नाचेगी पनौड़ी, आ ये बसंती इन कुत्तों के सामने नंगी नाचेगी, आज ये रंडी दीदी नंगी नाचेगी इन कुत्तों के सामने। सही बात है। हाँ शेयर करो लाइव को जल्दी यार, तुम लोग कैसे गणमारे लोग हो, जल्दी शेयर करो माँ चोदो दीपक की आईडी की, जल्दी 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 जाओ। बेंचो ये 1600 लोग भाई, तुम लोग सब एक एक बार शेयर करोगे ना तो भी बेंचो 3200 लोग हो जाएंगे। हाँ अच्छा दीदी थोड़ी निप्पल दिखा दो, नीचे से लोग डिमांड कर रहे कि थोड़ी निप्पल दिखा दो, भोसड़ा ने निप्पल मैं कच्ची बिना पिता आज इसके माँ की छूत मारूंगी मैं, जितने भी लोग हैं जल्दी जाओ। चलो लाइव खंपटता लाइव, यस ओ माय गॉड 1700 हो गए, ये 2000 प्लस होने चाहिए इतनी रात को। हमारी गर्लफ्रेंड की छूत में उंगली मार के हिलाओ। दैट प्रॉपर्टी आई डोंट नो मैन, जल्दी यू वांट टू माय सी भोसड़ा जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, जल्दी जल्दी जाओ इस दीपक की लाइव की बात कर दूं क्या। ये बहुत अच्छे लाइव कर करके दुखी दिखा रहे हो बहन, तो 1700 हो गए 1800 दीदी, चूची दिखा दो एक बार तो मतलब 2000 अब भी हो जाए। हाँ धीरे से ज्यादा मत दिखाओ दीदी वरना अभी खेला से खत्म हो जाएगा अभी। अब देखो बहन के लंड 1800, हमारी अम्मा का चूता मारो जल्दी जाओ।
मेरा ही हुक्का काम गया। मैं चाहती हूँ ये दीपक की लाइफ में नंगा नाच करूँ। हाँ 1800 हो गए भाई, 1200 बाकी है, 1200 पे होगा वेंचो कतई। हाँ जब तक हाँ, है जाम मैं नाचूंगी। हाँ सच्ची बात है, जल्दी। और भाई सोचो शेरू लाइफ, तुम लोग कैसी हाँ। अम्मा की छूत मार रहे हो, तुमने अभी तक और सोच नहीं मारी अपनी लुगाइयों की अपनी उनकी, जाओ शेयर करो लाइव को जाके फिंगरिंग करो। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक भाई और एक एक उसका पति दोनों ही नंगी कर रहा है। मैं मेरी बहन को नंगी कर रहा हूँ और एक पति अपनी औरत को नंगी कर रहा है, सबसे बढ़िया बात ये है। तो बहन के लोड़ो शर्म, मतलब शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि बहन जो तुम लाइव शेयर नहीं करो, ये मौका तुम लोग खो रहे हो कि एक भाई अपनी बहन को नंगी कर रहा है सरेआम। और देखो इसका बढ़वा कैसे ड्रंक है, उसको कोई पता ही नहीं है क्या चल रहा है यहाँ पे। जल्दी जाओ ये लाइव को शेयर करो बनौड़ी, नहीं तो मैं नंगी नहीं होंगी, मैं कच्ची पहन के सो जाऊंगी। नहीं तो अरे नहीं नहीं, अभी तो वेंचो ये बढ़वे लोगों ने 2000 भी नहीं किए है। ये कैसी इनकी माँ की छूत, इन्होंने छूत नहीं मारी लगता। ये 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 वो लोग हैं जो अरे बहन की छूत तुम्हारी साले मूठ मारनी है, मूठ मारनी है, रात को मूठ मार के अच्छे से सोना है तो लाइव को शेयर करो। तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी, तुमसे ना कोई नल्ली मांग रहा है ना कुछ मांग रहा है। बहन जो यहाँ पे तुम लोग 3000 नहीं कर सकते हो, सच में साले शर्म कर लो बहन जो। हाँ। मैं इंडिया में पैदा हुई, मैं चाहती मेरी माँ किसी फॉरनर से चूत जाती। ओ नो भाई सुनो, आज इंडिया जीता है ना, इंडिया दीदी पाकिस्तान से जीत गए, उसकी खुशी में आज मेरी दीदी नंगा नाच दिखाएगी। तो बहन चो जैसे पूनम पांडे नंगी होती है ना, वैसे आज मेरी दीदी नंगी होगी सच में। हाँ मैंने भी लोगों से प्रॉमिस किया था कि पनौड़ी अगर आज इंडिया जीतेगी मैं नंगी हो जाऊंगी, सड़क पर तो नहीं हो सकी लेकिन मैं लाइव में नंगी हो जाऊंगी। हाँ तो भाई देखो दीदी, अपने थोड़े नीचे के थोड़े जांटे दिखा दो तो लोगों को एक्साइटमेंट आएगा, ज्यादा मत दिखाना। बस बस दीदी अभी लाइव बंद हो जाएगी। हाँ अभी बंद हो जाएगी, इतना ही। ये देखो बढ़वा बूट गया, हे बढ़वे बैठ जा भोसड़ी के, बहन के लौड़े रुक में लाइव। अरे भोसड़ी के बैठ जा, ज्यादा हवाबाजी मत पेल, तू बात कर उससे।